हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज फॉर चैप्टर 8 पार्ट 1, जिसमें हम कवर करने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेप्टिक अल्सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट्स बाय न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड एंड रेजिंग द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट। तो कौन सा हमारा एक ऐसा ड्रग है जो कि हमारे पेप्टिक अल्सर को ठीक करता है बाय न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक एसिड एंड रेजिंग द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट। ऑप्शन ए H2 एंटीहिस्टामिन, ऑप्शन बी प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ऑप्शन सी एंटीकोलिनर्जिक, या फिर ऑप्शन डी एंटासिड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एंटासिड। तो पेप्टिक अल्सर हमें एक्चुअली होता क्यों है? तो पेप्टिक अल्सर होने का सबसे मेन हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा डिफेंसिव फैक्टर है, डिफेंसिव फैक्टर जो कि हमारे जीआईटी को, जीआईटी के लेयर को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल बाइकार्बोनेट, म्यूकस, ब्लड फ्लो, ये सब कम हो जाता है, हमारा म्यूकस का लेवल कम हो जाता है, बाइकार्बोनेट्स का लेवल कम हो जाता है, और हमारे जो अग्रेसिव फैक्टर है जैसे कि हमारा गैस्ट्रिक एसिड, पेप्सिन, एच पाइलोरी, ये सब बढ़ जाते हैं। तो कौन सा हमारा एक ऐसा ड्रग है जो कि गैस्ट्रिक एसिड जो बना हुआ है ऑलरेडी उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, जो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट हमारे जीआईटी में बन चुका है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे हमारे एंटासिड्स। तो जो एंटासिड्स होते हैं वो हमारे दे आर वीक बेसिस, जो हमारे एंटासिड होते हैं वो बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो ऑलरेडी हमारे पेप्टिक अल्सर में गैस्ट्रिक एसिड बन चुके हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है और उनका पीएच जो कंटेंट होता है उनको रेज करता है। ऑलरेडी एसिडिक एनवायरमेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे विथ बेस। तो फिर जो भी गैस्ट्रिक एनवायरमेंट बना होगा वो रिवर्स हो जाएगा ताकि हमारे पेप्टिक अल्सर में हमें रिलीफ मिले। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू इट्स स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एंड म्यूकोसल एस्ट्रिंजेंट एक्शन। तो कौन सा इनमें से एंटासिड ऐसा है जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है? तो कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है हमारा, ऑप्शंस आर सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है दैट हैज अ वीक एंड स्लोली रिएक्टिंग एंटासिड एक्शन, वो एक वीक और स्लोली रिएक्टिंग एंटासिड एक्शन कॉज कराता है, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है ड्यू टू इट्स स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एंड म्यूकोसल एस्ट्रिंजेंट एक्शन। ये क्या कराता है कॉन्स्टिपेशन, एल्यूमिनियम हमें याद रखना है एच, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है। और वैसे ही हमारा एक और भी एंटासिड है जो कि डायरिया कॉज कराता है, तो वो कौन सा है हमारा? तो अगर हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो फिर वो हमारा कॉज कराता है कॉन्स्टिपेशन, और जितने भी हमारे मैग्नीशियम सॉल्ट्स है वो हमारे कॉज कराते हैं डायरिया, जैसे कि मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हो गया, कॉन्स्टिपेशन के लिए आएगा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और जितने भी हमारे मैग्नीशियम वाले सॉल्ट होते हैं दे विल कॉज डायरिया। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हिच क्लास ऑफ द ड्रग इररिवर्सिबली इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम इन द गैस्ट्रिक पैरेटल सेल। तो कौन से हमारे ऐसे क्लास ऑफ ड्रग है जो कि हमारा गैस्ट्रिक पैरेटल सेल में सोडियम पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक करता है? हमने पहले पढ़ा कि सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है हमारा पेप्टिक अल्सर कॉज होने का वो है इंक्रीज इन द अग्रेसिव फैक्टर, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक फैक्टर होता है गैस्ट्रिक एसिड।
तो गैस्ट्रिक एसिड्स हमारे कहां से सिक्रेट होते हैं? गैस्ट्रिक एसिड होते हैं हमारे पैरेटल सेल से सिक्रेट। तो वो कैसे होते हैं हम आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए H2 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ऑप्शन सी एंटीकोलिनर्जिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोस्टाग्लैंडिंस एनालॉग। सो द करेक्ट आंसर इज यस ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है हमारा गैस्ट्रिक पेरेटल सेल होता है। गैस्ट्रिक पेरेटल सेल में हमारे प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा गैस्ट्रिक पेरेटल सेल है, यहाँ पे हमारे प्रोटॉन पंप होता है। प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप में क्या होता है हमारा, जो प्रोटॉन पंप हमारा क्या है, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एटीपेस व्हिच इज एच प्लस, सॉरी एच प्लस के प्लस एटीपेस। तो ये जो एच प्लस के प्लस एटीपेस है या फिर जो प्रोटॉन पंप है ये हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। अगर इसके स्टिमुलेशन हो गई तो हमारा गैस्ट्रिक एसिड जितने भी होते हैं वो रिलीज होंगे, सॉरी वो रिलीज होंगे। अगर वो रिलीज हुए तो फिर हमारा अग्रेसिव फैक्टर बढ़ेगा। अग्रेसिव फैक्टर बढ़ा तो हमारा जो गैस्ट्रिक जीआईटी ट्रैक का जो लेयर है वो खराब होगा या फिर उसमें पेप्टिक अल्सर होने के चांस होंगे। तो फिर अगर हमें उसको ठीक करना है तो फिर हमें ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करना पड़ेगा। अगर हमें सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करना है तो फिर यहाँ पे हमारा कौन सा ड्रग यूज होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे पीपीआई या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि जाके इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेगा। प्रोटॉन पंप इनहिबिट हुआ तो एच प्लस के प्लस एटीपेज एक्टिवेट नहीं होगा। एच प्लस के प्लस एटीपेज अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो हमारा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फोर इज विच ड्रग इज नोन फॉर इट्स एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन एंड कैन कॉज गायनेकोमेस्टिया एंड लॉस ऑफ लिबिडो विद प्रोलॉन्ग्ड यूज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए साइमेटिडिन। तो जो साइमेटिडिन होता है वो हमारा एक एच टू एंटागोनिस्ट होता है दैट हैज एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन और ये हमारा कॉज करा सकता है गायनेकोमेस्टिया गायनेकोमेस्टिया एंड लॉस ऑफ लिबिडो एंड इम्पोटेंस एंड और टेम्पररी डिक्रीज इन द स्पर्म काउंट इन मेल। तो ये अगर हम कोई मेल इंसान लेता है, कोई मेल पर्सन साइमेटिडिन लेता है एच एच टू एंटागोनिस्ट, तो इसके एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन होते हैं जो कि हमें गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है, लॉस ऑफ लिबिडो कॉज कराता है, कभी कभी टेम्पररी हमारा जो स्पर्म काउंट होता है स्पर्म काउंट को भी डिक्रीज कर देता है। गायनेकोमेस्टिया हमारा मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक अगर डेवलप होता है तो उसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। Then question number 5 is which drug act by forming a sticky gel like consistency that adhere to the ulcer base acting as a physical barrier against acid and pepsin। तो कौन सा हमारा ड्रग ऐसा है जो कि अल्सर का जो बेस होता है, फॉर सपोज ये हमारा जीआईटी है और ये यहाँ पे हमारा अल्सर है, तो अल्सर के बेस के ऊपर कौन सा ऐसा ड्रग है जो एक स्टिकी लाइक कंसिस्टेंसी, एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी फॉर्म करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एसिड और पेप्सिन, और वो जो यहाँ पे हमारा अल्सर हुआ है ऑलरेडी उसको फर्दर गैस्ट्रिक एसिड या फिर पेप्सिन के कॉन्टैक्ट से बचाता है। ऑप्शन ए सुक्रोफेट, ऑप्शन बी साइमेटिडिन, ऑप्शन सी ओमेप्राजोल या फिर ऑप्शन नंबर डी मेसोप्रिस्टोल। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सुक्रोल्फेट। तो जो सुक्रोल्फेट होता है वो हमारा फॉर्म करता है एक स्टिकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी दैट अडहेयर टू द अल्सर बेस, जो हमारे अल्सर के बेस के ऊपर जाके चिपक जाता है बाय एक्टिंग एज अ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट एसिड एंड पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ड्रग हैज द पोटेंशियल टू डिटैच एच पायलोरी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द म्यूकोसा एंड डायरेक्टली किल द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन कॉजिंग अल्सर। तो कौन सा हमारा ऐसा ड्रग है विच हैज द पोटेंशियल टू डिटैच एच पायलोरी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द म्यूकोसा। हमने ये भी स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि एच पायलोरी भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर कॉजिंग पेप्टिक अल्सर। तो कौन सा हमारा ऐसा ड्रग है जो कि एच पायलोरी को हमारे म्यूकस से डिटैच करता है और उसको डायरेक्टली किल कर देता है। ऑप्शन ए साइमेटिडिन, ऑप्शन बी ओमेप्राजोल, ऑप्शन सी सुप्रोफेट या फिर ऑप्शन नंबर डी कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट। तो ये क्या करता है हमारा जो एच पायलोरी जो है उसको किल कर देता है और हमारा गैस्ट्रिक एसिड पेप्टिक अल्सर में हेल्प करता है ठीक करने में। तो जो कोलोइडल हमने ये डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज
Which class of drug reduces the volume of the gastric juice without raising its pH? तो कौन सा हमारा एक हमने पहले डिस्कस करा था कि जो हमारे एंटासिड्स होते हैं वो क्या करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को कम करते हैं और उसका जो पीएच है उसको बढ़ाते हैं, लेकिन कौन से हमारे दूसरे क्लास ऑफ ड्रग ऐसे हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड के पीएच पे कोई उसको कम नहीं करते लेकिन गैस्ट्रिक एसिड का जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करते। तो कौन है वो? ऑप्शन ए H2 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, ऑप्शन सी एंटीकोलिनर्जिक्स या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंटीकोलिनर्जिक्स। तो एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करते हैं? हमारे जो गैस्ट्रिक एसिड का वॉल्यूम है, गैस्ट्रिक एसिड का वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं विदाउट रेजिंग इट्स पीएच और उसके पीएच को इंक्रीज नहीं करते, उसके पीएच को इंक्रीज नहीं करते अनलेस देयर इज फूड इन द स्टमक टू डाइल्यूट द सेक्रेटेड एसिड। क्वेश्चन नंबर एट इज विच मेडिकेशन एनहेंसेस म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म बाय स्टिमुलेटिंग द सेक्रेशन ऑफ म्यूकस बाइकार्बोनेट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। हमने बात करी थी कि हमारा पेप्टिक अल्सर होता है जब एग्रेसिव फैक्टर कम हो जाता है ज्यादा हो जाता है और हमारा डिफेंसिव फैक्टर जो है कम हो जाता है। तो डिफेंसिव फैक्टर में हमारे कौन कौन क्या क्या है? म्यूकस है, बाइकार्बोनेट्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो कौन सा ऐसा ड्रग है जो इनको एनहेंस करता है? ऑप्शन ए पेंटोप्राजोल, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी फैमोटिडिन या फिर ऑप्शन नंबर डी मिसोप्रिस्टोल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मिसोप्रिस्टोल। तो मिसोप्रिस्टोल क्या करता है? एनहेंस करता है हमारे म्यूकस का मेम्ब्रेन को, सेक्रेशन ऑफ म्यूकस बाइकार्बोनेट प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच हेल्प एंड प्रोटेक्ट द म्यूकस फ्रॉम डैमेज। जो हमारा म्यूकोसल लेयर है उसको डैमेज होने से बचाता है मिसोप्रिस्टोल। क्या करता है ये? इंक्रीज करता है हमारा म्यूकस, इंक्रीज करता है हमारा बाइकार्बोनेट, इंक्रीज करता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्वेश्चन नंबर नाइन इज विच मेडिकेशन इनहिबिट्स प्रोटॉन पंप इन द गैस्ट्रिक पैरेटल सेल रिजल्टिंग इन द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। कौन से हमारे ऐसे मेडिकेशन होते हैं जो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल रिजल्टिंग इन द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन? ऑप्शन ए रैनिटिडिन, ऑप्शन बी ओमेप्रेजोल, ऑप्शन सी सुक्रोफेट या फिर ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओमेप्रेजोल। तो जो ओमेप्रेजोल होते हैं दैट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओमेप्रेजोल हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास से बिलोंग करते हैं इन द और ये हमारे प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं इन द गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स। दिस इनहिबिशन लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। जैसे ही हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाता है तो हमारा एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन में डाउनफॉल या फिर डिक्रीज हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर टेन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज एज एन एंटीबायोटिक टू इरेडिकेट हेलिकोबैक्टर पायरोली इन्फेक्शन अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन। इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी ये पहले से टिक हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एमोक्सिसिलिन। तो जो हमारा एमोक्सिसिलिन है वो हमारा एक ऐसा एंटीबायोटिक है, जैसे कि हमें पता है कि पेप्टिक अल्सर का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा एच पायलोरी इन्फेक्शन भी होता है, तो एमोक्सिसिलिन जाके एच पायलोरी इन्फेक्शन को इरेडिकेट करता है ताकि पेप्टिक अल्सर भी ठीक हो सके। एमोक्सिसिलिन है, इट इज अ एंटीबायोटिक विच इज कॉमनली यूज इन द कॉम्बिनेशन थेरेपी। ये हमारे कॉम्बिनेशन थेरेपी के हिसाब से यूज होता है इन द केस ऑफ पेप्टिक अल्सर बाय एलिमिनेटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये हमारा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा था उनको एलिमिनेट करता है एंड एलिमिनेट द रिस्क ऑफ अल्सर रीअकरेंस इज रिड्यूस। बार 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 अल्सर का रीअकरेंस भी डिक्रीज हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल गाइज, थैंक यू सो मच। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा।